हेलो नमस्कार, क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। आज बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिमेश। और आज हम बात करेंगे आईपीएल 2023 के 22वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और ये मुकाबला होगा वानखेड़े में स्टेडियम। तो इस मैच में क्या होगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और फैंटेसी 11 में आप किन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दाव, इस बारे में हम बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 से। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 थोड़ी सी मेरे ख्याल से उन्हें थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है और विंस कुछ खास है नहीं। तो जो 11 देख सकती है वैसे देख सकती है, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, नेहल वदेरा, ऋतिक शौकीन, जोफ्रा आर्चर, अर्शद खान, रिली मेरेडिथ, ये मेरी 11 है। आई गेस कैमरन ग्रीन पे एक दावा आप लगा सकते हो, आप उन्हें ऊपर खिला सकते हो या नीचे भी रख सकते हो मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा सा फॉर्म में भी दिखे, फॉर्म में दिखे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनका यूटिलाइजेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके से मुंबई इंडियंस उनको यूटिलाइज करती है। बिल्कुल, खैर ये तो हो गई मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात। आपके क्या जिनको बड़ी कहीं बैकलैश झेलने पड़ रहे थे शुरुआत में, जब नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था, बिल्कुल, और चंद्रकांत पंडित जो कि घरेलू बड़े लेजेंडरी कोच हैं, मतलब उन्होंने जहां उनके एक्सपेरिमेंट्स काम आ रहे हैं, बिल्कुल जहां वो जाते हैं वो उस डोमेस्टिक टीम को विजेता बनाते हैं, स्पेशली इन रणजी ट्रॉफी। तो और लेकिन अब जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स काम आ रहे हैं, वो पहले मैच में थोड़ा फंबल कर गए, उसकी जरूरत भी थी, वो एक आई ओपनर की तरह आया था। तो मैं बात करूंगा केकेआर के 11 की, क्या 11 रह सकते, तो गुरबाज और जगदीशन ओपनिंग कर सकते हैं, फॉलोड बाय नीतीश राणा, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, उमेश यादव, सुयश शर्मा और लॉकी फर्गसन, ये मेरे 11 हो सकती है केकेआर के लिए। बिल्कुल, और जो आपने प्लेइंग 11 बताई बिल्कुल यही परफेक्ट फिट होगा, मुझे लगता है इंपैक्ट के रूप में वेंकटेश अय्यर का यूज किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे वेंकटेश अय्यर का करा जा सकता है। वहीं मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो वो शायद पीयूष चावला को ला सकते हैं अपने बॉलिंग स्ट्रेंथन करने के लिए, पिछले मैच में अच्छा भी दिखे थे और एक्सपीरियंस है तो। और वहीं वेंकटेश अय्यर की बात करें तो अच्छे फॉर्म में आ गए हैं वापस, जो वेंकटेश अय्यर से आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो दिख रहा है। तो ये तो हो गए प्लेइंग 11 की बात। अब जिस चीज का हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है फैंटेसी 11। तो यहाँ पर आप किन खिलाड़ियों पर लगाओगे दांव? बिल्कुल, सबसे पहले बात जो, जो मुझे बहुत सारे रुपए दिला सकते। बिल्कुल, रुपए दिला सकते। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विकेट कीपर से। बिल्कुल, विकेट कीपर की जहां तक बात है तो मैं यहाँ सिर्फ गुरबाज को रखना चाहूंगा, क्योंकि और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो यहाँ मैं गुरबाज को रखूंगा। एग्रेसिव बैटर को दरकिनार किया आपने? हाँ, अभी के लिए दरकिनार करूंगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स की बात है, यहाँ 11 प्लेइंग 11 की बात नहीं, यहाँ फैंटेसी 11 की बात है। मैं थोड़ा सा भरोसा जताऊंगा गुरबाज के ऊपर, क्योंकि वो रन तेज बना सकते हैं, ऊपर खेलते खेलते ईशान भी ऊपर है लेकिन वो रन तेज बना सकते हैं, फॉर्म में है गुरबाज अच्छी। तो ये तो हो गए आप रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे आपके विकेट कीपर। इसके बाद बैटर्स कौन कौन होंगे? बैटर्स में रोहित शर्मा विदाउट अ डाउट, जब अपने दिन पे मारना शुरू करते हैं तो धागा खोल देते हैं सामने वाले बॉलर्स का। उनके अलावा सूर्य कुमार यादव पे मैं दाव अभी भी लगाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, दो रन नहीं बना पाए हैं पिछले 1.5 महीने में, तो 4 डक, फर्स्ट बॉल डक आ गई है, गोल्डन डक, लेकिन फिर भी मैं उन पर दाव लगाऊंगा और सूर्य कुमार यादव को इस टीम में जरूर रखूंगा। तिलक वर्मा एक बेहतरीन बल्लेबाज है, नीतीश राणा केकेआर के जो नए कैप्टन है वो एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, और स्टार प्लेयर, स्टार पावर केकेआर की रिंकू सिंह, लगातार 250 एक ओवर में 30 रन मैच जिताना, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी आदतें पाल ली है रिंकू सिंह ने। नहीं, बड़ा अच्छा है केकेआर के लिए, अच्छी आदतें उनके बहुत काम आने वाली हैं। बिल्कुल, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, ये कर लेते हैं बॉलर्स की बात। बॉलर्स की जहां तक बात है तो मैं जोफ्रा आर्चर और वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि मुझे एज अ सेट यू नो कॉम्बिनेशन कुछ अलग बनाना है यहाँ पे, तो मेरे बॉलर्स रहेंगे जोफ्रा आर्चर और वरुण चक्रवर्ती। ये तो हो गया बॉलर्स की बात, बात किसकी बची? ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स की बात जो मेन, जो सबसे ज्यादा पैसा लेकर गए हैं इस इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन के टाइम पे, आप उन्हें ही भूल गए। हाँ, कैमरन ग्रीन की बात भूल सकते हैं, कैमरन ग्रीन, एंड्रे रसल और सुनील नारायण होंगे मेरे ऑलराउंडर। एंड्रे रसल के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, पिछली बार मैंने उनको अपनी फैंटेसी 11 में नहीं रखा, बड़ा अच्छा करके चले गए। बिल्कुल अच्छा करके, यही मैंने गलती करी थी, सेम करा था मैं, लॉ ऑफ एवरेजेस पे चला गया, मेरे को लगा एक और मैच लेके परफॉर्म करेंगे, उसी मैच में परफॉर्म कर दिया। ठीक है, आंद्रे रसल को जरूर रखिए, उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते फैंटेसी 11 में, और उसके अलावा कैमरन गिर और सुनील नारायण होंगे आपकी फैंटेसी 11 में। ऑलराउंडर, ये तो हो गई ऑलराउंडर्स के बाद, फैंटेसी 11 टीम पूरी होगी, लेकिन इसका कप्तान और कप्तान किसका? मेरे लिए कप्तान सुनील नारायण और कप्तान होंगे कैमरन ग्रीन। सुनील नारायण इसलिए विकेटिंग बॉलर है, आपको डबल अप कर देंगे आपके पॉइंट्स, और बैटिंग में भी अगर आते हैं तो वहां भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। कैमरन ग्रीन पे मैं इसलिए दाव लगा रहा हूं क्योंकि पता नहीं है वो बैटिंग का करेंगे, ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो अगेन वो डबल करते हैं आपके पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल से ये मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेंगे। तो ये हो गई हमारी फैंटेसी 11, खिलाड़ियों पर दांव लगाकर आप जीत सकते हैं ढेर सारे रुपए, तो आप लगाइए दांव और जीतिए।
खूब सारे रुपए। और इसके अलावा हम आपसे हर मैच के पहले प्री मैच शो में भी मिलेंगे, यहाँ पर होगी आपके साथ एक्सपर्ट्स की टीम जो आपको बताएगी मैच के बारे में कुछ बारीक जानकारियाँ। तो क्रिकेट से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहे क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।